नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली में इन दिनों यमुना उफान पर है। गुरुवार दोपहर 12 बजे यमुना का जलस्तर 208.60 मीटर तक पहुंच गया। यमुना का यह जलस्तर आज तक का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले बुधवार की रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.05 मीटर तक पहुंच गया था। यमुना के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर दिल्ली में यमुना नदी के पास बसे इलाकों में दिखने लगा है। हालात कुछ ऐसे है कि यमुना के पास बसी बस्तियों में कई फीट पानी भर चुका है। इतना ही नहीं, यमुना बाजार की दीवार से पानी भी रिसने लगा है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच प्रशासन भी सतर्क है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के जलस्तर को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाई है। बता दें कि यमुना में जलस्तर के लगातार बढ़ने की वजह से बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बारिश, जिस वजह से दिल्ली के आसपास के तमाम बांधों में क्षमता से अधिक पानी है, लिहाजा इन बांधों के फाटक को खोल दिया गया है, जिस वजह से दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच कई इलाकों में पानी घुस गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एहतियातन इस प्रभावित इलाकों में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों से अपील की है कि वे ऐसे समय एक दूसरे का साथ दें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में अगले कुछ दिनों में गिरावट की संभावनाएं कम है।